बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ प्रोग्राम दुआए बातिन। वकाला रब्बुकुम उद्उनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने फरमाया है मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुआ प्रोग्राम तमाम बीमारों और रंजो गम में मुब्तला अफराद को दावत देता है कि वो दुनिया के इंतहाई मुकद्दस मुकामात पर हर रात अदा होने वाली दुआ में शामिल होकर अल्लाह की रहमत से मुश्किलातें ज़िंदगी से निजात पाएं। दुआ में शामिल होने के लिए आप पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम ठीक रात 10 बजे बावजू होकर किबला रुख जाए नमाज पर बैठ जाएं। आंखें बंद और नम रखें और हाथ मिसले दुआ उठाकर 11 बार कोई सा भी दुरूद पाक तलावत करें, और फिर अल्लाह पाक का सिफाती नाम या मुजीबू कसरत से 10:15 तक तिलावत करते रहें। इस दौरान अपनी परेशानियां अपने जहन में रखें। 15 मिनट यानी 10:15 तक या मुजीबू तिलावत करने के बाद 11 बार दुरूद पाक पढ़कर उठ जाएं। इंशाल्लाह सिर्फ 3 रोज़ में हर किस्म के दुख दर्द कर्ज मर्ज घरेलू मुआशी नफ्सियाती और रूहानी मसाइल से रहमत इलाही से निजात होगी। हर रात पूरी दुनिया से 40 लाख से ज़ायद अफराद अपने घरों में रहकर इस दुआ में इसी टाइम पर शामिल होते हैं और अल्लाह की रहमत से फैज़ पाते हैं। दुआ प्रोग्राम में चूंकि हर इंसान के लिए गायबाना दुआ की जाती है, इसीलिए यकीन से इस दुआ में शामिल होने वालों की जायज़ दुआएं हमने 3 दिन के अंदर अंदर पूरी होती देखी हैं। जैसा कि अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं होती जितनी जल्दी गायब आदमी के हक में गायब आदमी की दुआ कबूल होती है। इसी तरह सैयदना अबुल दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो अपने भाई की पीठ पीछे उसके लिए दुआ करे मगर फरिश्ता कहता है और तुझको भी यही मिलेगा। क्योंकि पीठ पीछे दुआ करना अखलास की दलील है और अखलास का सवाब बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, हमारे बुज़ुर्ग इस दुआ में अल्लाह को उसके पाक नामों का वास्ता देकर ये दुआ फरमाते हैं कि या अल्लाह, दुआए बातिन में शामिल जो जो साइलीन तुझे या मुजीबू कहकर पुकार रहे हैं उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल व मंजूर फरमा, आमीन सुम आमीन। आप भी दुआ में शामिल तमाम अफराद के लिए ज़रूर दुआ करें, क्योंकि दूसरों के लिए दुआ करने की फजीलत के बारे में हज़रत अली करमुल्ला वजह भी फरमाते हैं कि कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इलावा अजीं, अगर आप चाहते हैं कि दुआ प्रोग्राम के बुज़ुर्ग अल्लाह के हजूर आपका नाम लेकर आपकी मुश्किलात के हल के लिए खुसूसी दुआ फरमाएँ, तो आप अपना नाम, वालिदा का नाम और मसला कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें सबमिट करें। इंशाल्लाह आपका नाम और मसला दुआ प्रोग्राम के बुज़ुर्गों को ख़ास दुआ के लिए अरसाल कर दिया जाएगा। हमारे बुज़ुर्ग जहाँ तक मुमकिन हुआ आपका नाम लेकर आपके मसाइल के हल के लिए अल्लाह तबारक व तआला के हजूर आपके लिए खसूसी दुआ फरमाएंगे इंशाल्लाह। दुआ के मुतालिक मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। नाज़रीन, इल्तमास है कि सिलसिला के बुज़ुर्गों से बराह रास्त मुलाकात मुमकिन नहीं।